दोस्तों मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी महा कवरेज। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो है लगातार लोकसभा चुनाव लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरीके से अपनी जो योजना है उसको गिनाने की कोशिश कर रहा है। इसे मात्र ग्रामीण मार्ग मूल्य इस वक्त उत्प्रेरण मूल्य थे, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता यहाँ पहुंचकर किस तरीके से सभा को संबोधित कर रहे थे, क्या मानते हैं, क्या बीजेपी या कांग्रेस क्या मानते हैं, क्या मानते हैं आप इस बार बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। कारण क्या मानते हैं? कारण विकास। क्या विकास? क्या कांग्रेस के लिए कोई विकास नहीं हुआ, आप बोल रहे विकास कौन कह रहे? कांग्रेस के लिए? हाँ। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया? देश को बर्बाद किया। हाँ। इसके अलावा और क्या किया? हाँ। 10 साल में विकास ही विकास, चारों तरफ पूरा देश में विकास नजर दिख रहा है। अब की बार फिर क्या कांग्रेस के बीजेपी? अब की बार 400 पार। 400 पार। हाँ। पक्का? पक्का। क्या कहेंगे आप? हम भी बीजेपी। अच्छा, बीजेपी कई कई किसानों के लिए बढ़िया काम की, तो किसान के लिए अच्छा काम कर रहे। अच्छा, कई बीमा बहुत अच्छा है, बिना ब्याज के पैसे है। अच्छा, सम्मान निधि है। अच्छा, तो देखा आपने जो है बीजेपी की बात यहाँ कही जा रही है। हम और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, तो बात करेंगे। हमें लगता है क्या होगा भाई, समस्या यह कि नल कलेक्शन दे रहे हो, अवैध भी दे रहे हैं और हम ले रहे जो हमको नहीं दे रहे हो। अच्छा, क्यों, कारण क्या? बाड़े में नहीं दे रहे। बाड़े में नहीं दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने शिकायत करी होगी ना? शिकायत कौन, हमारे साथ कोई नहीं। हाँ, शिकायत विधायक साहब आए थे ने, उस समय भी बात की थी। हाँ। ये वो ठेकेदार जी मना कर रहे हैं। ठेकेदार मना कर रहा है। हाँ। तो अभी ये बात आपने सांसद को नहीं बताई? अभी आए तो रुके कहाँ है ये? 2 मिनट रुकी नहीं अभी, इनका भाषण कर दे के चले गए। अच्छा, क्या कहेंगे आप? ठीक है, सब काम अच्छा चल रहा है, उनकी सब बड़े बड़े समस्या हर साल रहती है। सब ठीक है। आप एक पानी की समस्या बता रहे हैं? पानी की समस्या हर साल रहती है, साल पीने के पानी की, पीने के पानी की, मतलब 2 दिन में तो 10 मिनट आ रहे हैं नल। अच्छा। हाँ, उसके अलावा नहीं आते? नहीं आते। क्या ट्यूबवेल वेल नहीं है? मतलब उसमें 2 दिन 10 मिनट का कुल आता है, 2 दिन में 10 मिनट नल आते हैं। अच्छा, पानी है ही नहीं हमारे तो पशुओं के लिए भी ये समस्या है। मतलब टैंकर ला रहे, दूसरे मंगवा के मतलब पिला रहा है। अच्छा, तो एक जल संकट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। सारी क्या कहेंगे भाई आप, क्या बीजेपी कांग्रेस जो ये मांग कर रहे वो पूरे पुराने कनेक्शन नहीं दे रही है? पुराने कनेक्शन है ग्राम पंचायत के, वो तो वही जगह नल क्यों नहीं दे रही है? अच्छा। हाँ, और उसके अलावा? उसके अलावा तो हमारे रोड की है, सेमली से ये रोड प्रधानमंत्री वाला, इसको फिर मरम्मत कराओ इसकी। अच्छा, 10 साल हो गए इसको। अच्छा, और किसानों के लिए? किसानों के लिए तो ये अफीम की खेती करते है, पट्टे देंगे। अभी बोला ना उन्होंने पट्टे मिलेंगे। अरे पट्टे को क्या करे, मूल्य वृद्धि भी तो करो ना। अच्छा, मूल्य भाव भाव कम है बिल्कुल। हाँ, मूल्य वृद्धि भी तो करो। और ये सीपीएस? सीपीएस अरे सब दोनों चीज की मूल्य वृद्धि करो। सीपीएस तो खुश है किसान की नहीं है ना? और एक वो 8-29 जो धारा है उसे लिए किसानों को परेशान करते हैं। पुलिस का बंद होनी चाहिए, चालू रहनी चाहिए, बंद होना चाहिए। ये तो उसमें क्या परेशानी आती ज्यादा? हमारे जब जो मुलजिम है उसी को पकड़ो, मतलब दूसरों को क्यों पकड़ते? अच्छा, हमारे कीड़ा लगता है ना, उससे क्या भाव से मिलते हैं? हाँ, वो तो मतलब सही कहा मिल रहे, मतलब ताइवान के देखो भी अभी काम दिया मन काम मिल रहे नहीं मिल रहे नहीं मिल रहे तो क्या हम अभी अभी अपीम पॉलिसी है अपीम तो खुश है कि नहीं है? मैंने तो कभी की अपीम छोड़ दी है। अच्छा, पट्टा भी लाया मैं तो, मतलब अभी मैं बोलता है अभी नहीं। अच्छा, क्या ये जनता बोलती है? ये मैं नहीं बोलता हूँ। क्या कहेंगे आप, क्या आपके बार क्या बीजेपी कांग्रेस आपने बिल्कुल गमछा डाल रखा है? बीजेपी सरकार है कतरी पार, 400 पार भी। हाँ, 400 पार की जगह मोदी सरकार आने के कारण राम मंदिर और 370 वो जो विकास रोड का है ना, वो किसी अभी तक किसी सरकार ने किया है कांग्रेस सरकार। अच्छा, 400 कांग्रेस ने कहा हुआ नहीं की वोट प्रतिशत दोनों कम पड़ रहा है, तो वंती कांग्रेस के लिए वंती फायदा कांग्रेस ने तो कोई होगा? कोई फायदा नहीं उनको, वो हवा उड़ा रही इसलिए कि वो इधर उधर हो जाए, घबरेगा घबरेगा। अभी कोई ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि 400 से बहुत ज्यादा जाएगी। बात कर रहा हूँ, अब पट्टा एक को नहीं अपीम को पटो, सीपीएससी पूछो, सीपीएससी बढ़िया और लोजिशन से भी बढ़िया है। कारण भाव तो मलिन ने काका जी गिरा, भाव को नहीं अभी पैसा सब मिल रहा है, बहुत आनंद है। आनंद है कई कहोगा कटेगा कटेगा यहाँ को जो कई नाम है बाबूलाल?
अच्छा कई बोला बीजेपी कांग्रेस कई ये जबरदस्ती करना है तो शुरू से हम आज से क्या आज शुरू से हम पीढ़ी हाँ पूरी तो जब तो आपने पीढ़िया देखी ली नई पार्टियां देखी ली है तो कई मतलब आपने 70 साल भी देखा ना भाई 15 साल ही देखा तो कन को कुछ ज्यादा मानो आप काम कन को ज्यादा खुश 70 साल वाला को नहीं अभी राहुल गांधी पप्पू पप्पू के उनका नाम चल रहा है उनके बाप दादा का नाम चल रहा है उनका कमाया जा रहा है अच्छा यूँ हाँ उनका तो कुछ बिल्कुल शांत खड़ा हूँ मतलब कई मन में विचार डीपीएस के लिए मैं बोल रहा हूँ हाँ। उसमें रकबा बढ़ा है अच्छा सीपीएस में 1000 रुपया रकबा दिया है तो किसान संतुष्ट हो जाएंगे उसमें कारण क्या है उसमें लॉजिक क्या कारण उसमें है कि उसमें पोस्ता ज्यादा मिलेगा उनको किसान को अच्छा पोस्ता ज्यादा मिलेगा तो फिर वो लूनी चिन्नी का नहीं करेगा करेगा क्योंकि पैसे जो पुराने ही है रेट उसमें बढ़ना चाहिए किसान को मतलब आपका कहना है कि अगर सीपीएस का रकबा बढ़ जाता है तो किसान को बड़ा फायदा हो सकता है उसमें क्या सीपीएस के टोटे के 200 रुपए के लिए दे रहा है 200 के बजाय 400 दो उनको खुद तो प्रॉफिट होना चाहिए तो भी किसान भोगा भोगेगा आने के भाव सही है मंडियों में ये कम है पोस्ते आने थोड़े बहुत बढ़ना चाहिए 1.5 के आसपास होना नहीं खबर ये भी है कि टर्की को आयात खुली रखो है भारतीय पोस्ता दानों को दाम तो है बिल्कुल नीचे आ जाए आजाद को बंद करके रखो अपने यहाँ सीपीएस में बड़ा हो तो बहुत ज्यादा मिलेगा फायदा है डबल रकबा होगा तो बहुत ज्यादा आएगा ना अपने देश में तो बहुत किसान तो गिरे सीपीएस ही नुकसान है किसान ये ना नुकसान का नुकसान अच्छी है फायदा है होगा तो फायदा है अपने बट्टर को नहीं है ना सीपीएस में है लूनी चिरनी में तो कन में मानो आप कन में दोनों में ठीक है दोनों में ठीक अपने हिसाब से लागत से ज्यादा लगे लूनी चीम लागत लागत मौसम के अनुकूल रखवाली दो ही बराबर बराबर खाना ही खाना जूता होता ही है जूता काम में बचे सही बात तो यही है नहीं बाकी मोदी सरकार काम बहुत बढ़िया है बढ़िया कोई प्रधानमंत्री ऐसा जीवन नहीं मिला अपन भी बीजेपी में कितने मेरे बाप दादा से हम मतलब कुल मिला के बीजेपी से आप संतुष्ट भी आप मानते हो काम किया गिनती लगा ही नहीं सकते इन्होंने क्या किया देश बड़ी बात यही है कि मोदी सरकार के कामों की गिनती नहीं लगाई जा सकती लेकिन जिस तरीके से कुछ समस्याएं किसानों की है कुछ समस्याएं गरीब वर्ग परिवार की है कुछ समस्याएं आम आदमी की भी है साथ ही अगर बात करें तो बार बार हमें एक अपडेट कहते आ रहे हैं कि जब किसान की फसल खेत में होती है तो उसके भाव और दाम आसमान पर होते हैं लेकिन वो फसल जब किसान की मंडी में पहुंचती है तो उसके दाम गिर जाते हैं इसका भी जो है सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए ताकि किसानों को सही दाम मिल सके और साथ अगर बात करें सीपीएस पद्धति को लेकर अफीम पॉलिसी को लेकर लगातार हम अपडेट दिखाते हैं किस तरह की स्थिति है अफीम किसानों की है किस तरीके से लगातार मांग करते आ रहे हैं और किस तरह की अभी बात जो है जिस तरीके से बात करें तो उपरिणाम यहाँ आए थे और यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि और सांसद के तमाम जो नेता थे साथ ही प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद थे सुधीर गुप्ता उनसे बात की उन्होंने किस तरह से जवाब दिया हमने आपको सुनाया साथ ही बात करते किसानों से भी हमने बात की और किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं लगातार हम आपको अपडेट दिखाते आ रहे हैं।